हेलो एवरीवन, सो आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस हम लोग करने वाले हैं गामा, ये जो ग्रीक है, ये इम्पैक्ट क्या करती है या फिर कौन से ऑप्शन पे इम्पैक्ट करती है, प्रीमियम कैसे चेंज होता है, तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिंपल देखो, गामा को समझने से पहले आपको डेल्टा समझना पड़ेगा। डेल्टा हमें क्या बताता है? डेल्टा हमें ये बताता है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा अंडरलाइन ने मोमेंटम दिया तो, राइट? सो देखो, जब भी हम लोग डेल्टा देखते हैं तो एट द मनी का डेल्टा हम लोग 0.5 देखते हैं, आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो 0.48, 44, 41, फिर 0.3, 0.2 होते जाते हैं। वही इन द मनी जाते तो मतलब क्या, डेल्टा बढ़ते जाते हैं, मतलब 0.5 से फिर 0.6, 7, 8, 9, राइट? ये हम लोग ने देखा था। नाउ गामा जो ये ग्रीक है ना, ये आपको बता रहा है कि मेरा डेल्टा कितने से चेंज होगा, ना कि प्रीमियम। ओके, सिंपल इम्पैक्ट देखो, अगर मैं गामा को बताने जाओ तो गामा एक, मैं कहूंगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रीक में आ जाएगा, जिसपे जो इम्पैक्ट दे रहा है डेल्टा पे। डेल्टा इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रीक, जो प्रीमियम पे इम्पैक्ट दे रहा है। डेल्टा पे इम्पैक्ट कौन दे रहा है? गामा इम्पैक्ट दे रहा है। सिंपल अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताने जाऊँ, लेट्स सी, मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आता हूँ। ओके, निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था, देखो ये एटीएम स्ट्राइक है, यहाँ से सारे ये जो स्ट्राइक से कॉल के इन द मनी है, ये ओटीएम स्ट्राइक से, और ये पुट के इन द मनी, और ये ओटीएम स्ट्राइक से। इनका डेल्टा देखो ओटीएम स्ट्राइक का धीरे धीरे कम हो रहा है और इन द मनी का बढ़ रहा है। नाउ यू कैन सी 0.66, 0.07, 0.06, 0.05, ये जो डिफरेंस है ना, ये स्ट्राइक और ये स्ट्राइक में जो डिफरेंस है ना, इसका जो चेंज है, ये मुझे कौन बता रहा है? गामा बता रहा है। ओके, तो गामा का वैल्यू भी यहाँ पे, कि अंडरलाइन अगर मोमेंटम दिया तो मेरा डेल्टा यहां से कितना चेंज होगा, और डेल्टा ने अगर मोमेंटम दिया तो मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा। सो ये सारी चीजें रिलेटेड है। तो सिंपल देखो, गामा को हम लोग इतना डिटेल ही नहीं देखेंगे जितना डेल्टा को हम लोग देते हैं, जितना टाइम देते हैं। गामा को इतना हमेशा याद रखना कि इसका जो इम्पैक्ट आता है वो नियर बाय एक्सपायरी बहुत आता है। जैसे हम लोग देखते हैं, कभी आप न्यूज पे, न्यूज इन द सेंस आप जो भी इन्फ्लुएंसर्स है देखो, वो भी मार्केटिंग करते कि ये प्रीमियम जो है 50 रुपए से सीधा 150 गया, 200 गया, 3 रुपए का प्रीमियम जाके 200-300 क्लोज हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ द गामा इम्पैक्ट। तो अगर उसमें गामा एक्सप्लोजन हुआ तो आपका डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, और अगर आपका डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ा तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये सारी चीज है। सेकेंडली, अगर गामा को मैं देखूंगा तो उसको वोलेटिलिटी के साथ पेयर करूंगा ना, तो जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तभी क्या होता है, आपका गामा का जो वैल्यू है वो फ्लैट हो जाना शुरू होता है। एटीएम पे ज्यादा वो इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो मेरा गामा का जो कर्व है वो धीरे धीरे फ्लैट होता है। मतलब मुझे हर एक स्ट्राइक का गामा जो है ना, वो एट द मनी जैसे देखना शुरू होगा, मतलब नियर बाय। वाई? बिकॉज वोलेटिलिटी क्या है, बाजार के एक्सपेक्टेशंस। तो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन द मनी क्लोज होने की, और इन द मनी स्ट्राइक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आउट ऑफ द मनी क्लोज होने की। तो गामा थोड़ा फार यहाँ पे फ्लैटन हो जाता है आपका, राइट? सो इतना ही याद रखो, जब भी आपको गामा यूज करना है, ट्राई टू गो विद द नियर बाय एक्सपायरी। 2-3 दिन बाकी है, 1-2 दिन बाकी है, या फिर एक्सपायरी दिन, या फिर ट्राई करो कि गो विद द एटीएम स्ट्राइक सिलेक्शन। जनरली एटीएम पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। अगर आपको गामा के बारे में और इन डिटेल जानना है तो सारी चीजें नीचे लिखी हुई है, एक बार वो भी पढ़ लो एंड FAQs भी पढ़ लो, सो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।